अभी हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बेटर शो कर सकते हैं। अगर हम कोई लेक्चर लेना चाहते हैं या हम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट को। तो सबसे पहले तो मैंने आपके लिए एक डेमो तैयार किया है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो मैंने 3 स्लाइड तैयार की है मेक प्रेजेंटेशन बेटर। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे होम पे जाते हैं आप, तो इसके अंदर कोई भी थीम आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है, डिज़ाइन के अंदर जब भी आप क्लिक करोगे तो इसके पीछे का पूरा थीम चेंज हो जाएगा। जिस भी डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसे किया, तो इसका पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो जाएगा, मीन्स पूरा थीम ही चेंज हो जाएगा। तो हम इसके थीम को ईजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने ये वाला थीम यूज़ कर लिया, मेरी पहली स्लाइड इस तरह से है, दूसरी इस तरह से बनेगी, तीसरी इस तरह से बनेगी, तो पूरा थीम चेंज हो जाएगा डिज़ाइन से। इसी तरह ट्रांजिशन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कोई भी इसकी ट्रांजिशन दे सकता हूँ कि ये जो स्लाइड है मेरी किस तरह से शो अप हो जब मैं इसको चलाऊँ। तो इस तरह से कोई भी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि किस तरह से मेरी स्लाइड ओपन हो ट्रांजिशन से। इसी तरह मैं एनिमेशन का यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई वर्ड फॉर्मेट है तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन का यूज़ कर सकता हूँ कि ये जो वर्ड है वो किस तरह से यहाँ पे आए। तो इस तरह से मैं एनिमेशन का यूज़ कर सकता हूँ। और स्लाइड शो के अंदर मैं इसकी टाइमिंग बना सकता हूँ कि किस टाइम पे कितना आना चाहिए, पहले कौन सी स्लाइड है। जैसे री टाइमिंग के अंदर मैं ये क्लिक करता हूँ तो इस तरह से स्लाइड आएगी, दोबारा क्लिक करता हूँ तो टाइमिंग यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, अगला मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, अगला क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, और इस तरह से मेरी सारी PPT तैयार हो जाएगी। इसको मैं चेक कर सकता हूँ नीचे से, यहाँ से देखिए अभी अब ऑटोमेटिकली चलेगी, मैं कोई क्लिक नहीं करूँगा। जैसे पहले स्लाइड ये आई, उसके बाद अपने आप ही मेक प्रेजेंटेशन बेटर का फॉर्मेट आया, इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, सेकेंड और थर्ड स्लाइड भी मेरी सेम थी तो इसलिए थर्ड भी आ गई, उसके बाद आपका एंड ऑफ स्लाइड्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर से बेटर बना सकते हो यूजिंग डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, उसको टाइमिंग देने के बाद। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।